सो ये गाना शायद मेरा रिपीट पे है लास्ट तीन दिनों से. मैं इसको प्ले नहीं मार सकता क्योंकि अगर प्ले मार दिया तो टी सीरीज वाले आके कॉपीराइट क्लेम डाल देंगे. सो आज का वीडियो में इसको बहुत गाली देंगे. दिन से एक भी वीडियो नहीं बना, बोर हो गया मैं काम कर करके. बट अभी मैं बैक, आई एम बैक एंड 7-8 वीडियो शेड्यूल. अभी 7 दिन के लिए 7 वीडियो आना चाहिए. सो YouTube और Facebook एंड Twitter पे कवर तो डाल दिया कि एवरीडे 9:30 AM वीडियो, बट उस पे हर दिन 9:30 बजे वीडियो डालने में जो फटती है, इतना ज्यादा काम लगता है, टाइम ही नहीं मिलता है. बट लेट्स सी. सो अभी मैं ऑफिस पहुंच गया, शायद 6:30 भी हुआ है. अभी जाके ये वीडियो बना के फिर ऑफिस चलते हैं. अगेन बिजी डे अहेड. Let's do the video first and talk about this BMW first. So मैंने एक वीडियो बनाया था शायद 10 दिन पहले, जब मैं अपना कार लेके BMW का सर्विस सेंटर गया था, वो एप्पल कार प्ले का सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए. उस दिन तो अपडेट हो नहीं पाया क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है क्या अपडेट है क्या नहीं. Anyways, I don't know about it. तो फिर मैं लौट के वहाँ से आ गया. उसके बाद BMW इंडिया ने मेरे को बोला कि आपको कार फिर से भेजना पड़ेगा, उसके लिए 2 दिन रखेंगे. वो तो 2 दिन तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ कार को. उसे मैंने मना कर दिया, ठीक है बाद में देखते हैं जब सर्विसिंग के टाइम में वो कर सकते हैं. सो सबसे बड़ा जोक ये है कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि एप्पल कार प्ले BMW के 2019 के कार्स में सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. वाह, व्हाट अ जोक, बिग जोक. $80 पर ईयर, अगर लाइफ टाइम चाहिए तो $300. अबे चूतियों, अगर इफ समवन इज स्पेंडिंग लाइक क्लोज टू 1 crore ऑन ए कार एंड उसको आप वो $300 तभी ले लेते हैं जब वो कार खरीद रहा है, बाद में क्यों बोल रहे हो कि $80 पर ईयर, $300 फॉर लाइफ टाइम. काइंड ऑफ अ जोक, बिग जोक. सो और मतलब आजकल तो 5-6 lakh के कार्स में भी एप्पल कार प्ले है और वो भी लाइफ टाइम है, और ये इतना पैसा लेके उसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. चिलर ही कमा लो, ये लोग यही चिलर का काम ही करते हैं. I don't know why is it something like this, क्योंकि मतलब whole world has been reacting to this और बहुत लोगों ने बहुत गाली दिया है. अगर आप Reddit और Quora पे जाओ तो BMW के against में thousands of posts. ऐसे भी लोग हैं जिनके i8 है वो भी आके गाली दे रहा है, हट साला भिखारी, $80 ले भिखारी, $300 ले भिखारी. ऐसे ही करके बहुत लोगों ने बहुत गाली दिया है BMW वालों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा जोक है. इतना पैसा क्या भाई कार बेच रहे हो, उसके साथ $80 फिर से मांग रहे हो पर ईयर. अगर जब कार बेच रहे हो तभी $300 ले लेते हैं, एटलीस्ट कस्टमर को तो बोलना नहीं पड़ेगा कि हर ईयर जाके मेरा एक्टिवेशन करो, $80 लो एक्टिवेट करो, $80 लो एक्टिवेट. उसके बाद और एक भी है, एंड्रॉयड ऑटो का ये इंटीग्रेशन देते ही नहीं है जो कि फ्री है. सो कार प्ले और BMW के बीच में क्या एग्रीमेंट है वो तो हमें मालूम नहीं है, बट $80 पर ईयर इज काइंड ऑफ स्टीप एंड काइंड ऑफ ए जोक. If you are making someone pay who has spent like close to 1 crore on a car and then you are going to ask them like $80 or $300, kind of a joke, really a big joke. So वही था आज के लिए. एंड वो कार पे काम भी नहीं करता भाई, पैसा तो लेते हो वो काम भी नहीं करता है. सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए टाइम वेस्ट करके जाओ सर्विस सेंटर, 2 दिन कार को छोड़ो, ये करो वो करो, क्या चूतिया पाए हट. सो ऐसे ही है ये जो स्टोरी, इतना ही तक था. तो अभी तक तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. सॉफ्टवेयर अपडेट शायद मतलब वो सर्विसिंग के टाइम के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि 2 दिन तो मैं कार छोड़ने वाला नहीं हूँ. बाद में देखते हैं कब वो करना है, पर क्योंकि अभी के लिए तो वो काम कर रहा है. डिस्कनेक्ट जब हो जाता है बहुत, मतलब 1-2 दिन के बाद फिर कनेक्ट होता है, पर जब कनेक्ट होकर रहता है नॉर्मली रहता है कुछ दिनों तक. इंडिया में रहने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कभी भी गाड़ी चला रहा हूँ तो हर 5 मिनट मेरे को ऑफिस का 2-3 काम याद आता है, फिर साइड करके वो सबको रिप्लाई करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो. क्योंकि अगर मैं घर पहुंच गया या ऑफिस पहुंच गया तब तक मैं भूल जाता हूँ, इतना ज्यादा काम में ये दिमाग लगाना पड़ता है. YouTube, ऑफिस, 7-8 ऑफिस, 7-8 कंपनी, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा काम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है. तो उसके लिए मेरे को जब भी जो भी चीज याद आता है मैं कार साइड करता हूँ, टाइप करता हूँ, फिर जाके चलाता हूँ. शायद मेरे को 5-6 किलोमीटर के अंदर में 2-3 बार तो पार्किंग ऐसे करता ही हूँ. ये स्टार्ट स्टॉप में बहुत ज्यादा तेल फिर जाता है. एनीवेज, आज रिकॉर्ड करते करते कैमरा का बैटरी खत्म हो गया, फिर अभी फिर घर जाके चार्जर ला के ऑफिस पे चार्ज करके फिर वीडियो बनाना पड़ेगा. इतना ज्यादा कैमरा यूज करने में ये एक प्रॉब्लम रहता है कि हर कैमरा का चार्जर अलग, हर कैमरा का बैटरी अलग. ये लोगों को जो 3 महीने का फिर से ग्रेस पीरियड मिल गया, सब फिर से हीरो बिना हेलमेट के चला रहे हैं, कोई कहीं से भी आ रहा है. बट लास्ट 1 वीक से बहुत ज्यादा क्लीन था, सब कोई आराम से चला रहे थे, ऑटो वाले भी ज्यादा कट नहीं मार रहे थे, पर अभी 2 दिन से फिर से वो सब चालू. ये लोगों को ग्रेस पीरियड देना ही नहीं चाहिए, हेवी फाइन लगाओ. यही सेम चीज मैं 2016 से बोल रहा हूँ, हेवी पेनाल्टी लगाओ तभी जाके लोग चेंज होंगे.